हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैम छो तो डे डिज़ाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है, जैसे कि आप देख सकते हो टॉप मैंने टांग रखा है, तो आप इस टॉप को अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये हमारा टॉप है और जो नीचे हम इसके घेर लगाने वाले हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। और ये हमारा नीचे का स्कर्ट है जो कि हम इसको एक अच्छा सा गाउन बनाएंगे। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ स्कर्ट और ये टॉप है हमारा रेडी है। ये हमारे बनने से पहले जो कि अभी हमने गाउन नहीं बनाया, ये उसका पहला वाला लुक है और बनने के बाद ही कैसा लगेगा वो भी आप इसको देखना। यहाँ टॉप ले लिया, क्या करेंगे इस टॉप को हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके इसको बिछा लेते हैं इंची टेप की मदद से। हाँ, इसमें मेजरमेंट तैयार कर लेंगे, जितना हमें रखना है मेजरमेंट आप उतना रख लेंगे। नॉर्मली जो गाउन की चोली रखते हैं, हम रखते हैं 14 इंच, तो हम 14 इंच पर निशान लगा देंगे, 14 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और फिर इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि अभी हमें इसमें स्टिच भी करनी है, तो हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा क्या करेंगे, अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। इंची टेप ले लेते हैं, जितनी भी हमें इसकी कमर रखनी है, क्योंकि हमारा ऊपर का मेजरमेंट तो सही है, सिर्फ अब हमें इसकी कमर पर ही सही फिटिंग लगानी है, बाकी हमारा चेस्ट पे जो है सही है। तो हम इसकी कमर पर से यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं, जितनी भी हमें इसकी कमर रखनी है। यहाँ से हम 1.5 इंच साइडों से निशान लगा देंगे पहले, इन निशान के जो ही निशान हमने निशान लगाया है इसके अकॉर्डिंग इंची टेप को रख के जितनी हमारी कमर आ रही है, हमारी कमर है 15 इंच, यानी हमें 15 इंच कमर चाहिए, तो हम इस निशान को अब थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि हमें पहचान रहे कि हमें इस पर फिटिंग लगानी है। तो अब हम इसकी जो फिटिंग है नीचे तक लेके आएंगे, लेकिन ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके आएंगे, तो इसको यहाँ से हल्का सा घुमाते हुए पूरा नीचे तक नहीं लाएंगे, मतलब हल्का सा लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से करते हुए हम निशान लगा देंगे और सेम इस साइड भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इस साइड करा था। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया है, इसके अकॉर्डिंग ही हम फिटिंग लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया है ये वाला। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो हम कट कर लेंगे, पहले अब हम इसके ऊपर फिटिंग लगा लेते हैं। जो अब इसका हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है, हम इसको एक्स्ट्रा वाले मार्जिन को कट करके निकाल लेंगे दोनों साइडों से, जैसे कि हमने इस साइड से निकाल लिया है। अब इस साइड से भी हम एक्स्ट्रा वाला मार्जिन को यहाँ से भी अलग कर देंगे। तो ये हमारा मतलब गाउन रेडी हो चुका है, अब हम इसको एक बार रेडी देखते हैं पूरा। तो दोस्तों, ये हमारा गाउन देखो आप रेडी हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमने लेस जो लगाई थी ये हमारी कमर पर आई है, और इसकी ये जो बाजू है, इस बाजू को आप थोड़ा मतलब शॉर्ट भी कर सकते हो। इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, डोरी वाला डिज़ाइन है, अगर आप चाहो तो इसको बांध सकते हो, लेकिन आप बांधोगे तो इसको और अच्छा लगेगा। अब इसके गले का लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इसमें ये प्रिंट है और इसका घेर भी काफ़ी है, इसमें घेर भी काफ़ी है और ये काफ़ी हमारा अच्छा भी लग रहा है। तो ये हमारा क्रॉप टॉप जो था, ये बनने के बाद ये हमारा इस तरीके से हमने एक प्यारा सा गाउन बना लिया है। तो दोस्तों, आई होप आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज